देसूरी उपखंड क्षेत्र के नाडोल खारडा रोड पर रात्रि एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। घटना में कार में सवार चार लोगों को नाडोल CHC लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दो को गंभीर हालत में पाली रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार खारडा निवासी गोविंद 18 साल पुत्र देवाराम प्रकाश, 18 साल पुत्र पन्नालाल, नाडोल निवासी कमलेश पुत्र जगदीश व घनेराम निवासी प्रमोद पुत्र उमाराम खारडा से नाडोल शादी समारोह में जा रहे थे, तभी नाडोल खारडा रोड पर कार अनियंत्रित होकर एक डिवाइडर से टकरा गई। घटना की सूचना पर नाडोल चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायलों को नाडोल CHC लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दो को रेफर किया गया। कार डिवाइडर से इतनी जोरदार टकराई कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।